दोस्तों, पूरे हफ्ते काम के बाद वीकेंड में कुछ टेस्टी ट्रीट तो बनती है, तो चलो आज बनाते हैं वीकेंड स्पेशल सैंडविच। लगभग 10 से 12 सैंडविच बनाने के लिए लेते हैं 3 से 4 मीडियम साइज उबले हुए आलू, एक बड़ा टमाटर बारीक काट के, 1 से 2 छोटे खीरे यानी कुकुम्बर बारीक काट के, एक मीडियम साइज गाजर कद्दूकस करके और 2 मीडियम साइज शिमला मिर्च। सैंडविच का मिक्सचर बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में उबले हुए आलू इस तरह मैश करके लेंगे, फिर डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ खीरा और बारीक कटे हुए टमाटर। लेंगे 3 से 4 चम्मच पुदीना धनिया की हरी चटनी, हमारी चैनल पे पुदीना चटनी का शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, 3 से 4 चम्मच चाट मसाला पाउडर और आधा से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर आपके तीखे के अनुसार। फिर लेंगे 3 से 4 छोटे चीज़ क्यूब्स या स्लाइस, ऐसे छोटे टुकड़ों में करके आप डालें, फिर अच्छी तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने पे आप जितना फिलिंग सैंडविच में चाहते हो उस हिसाब से मिक्सचर के छोटे बॉल्स बना के रख दें। ऐसे करने से सारा मिक्सचर सैंडविच में बराबर इस्तेमाल होता है। चलो अब फाइनल प्रेपरेशन करते हैं। इस तरह ब्राउन ब्रेड की स्लाइस पर पुदीना धनिया की चटनी लगा के, फिर जो मिक्सचर की बॉल हमने बनाई थी उसे इस तरह स्लाइस पे फैला दें। ऊपर से डालेंगे थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा काला नमक। दूसरी स्लाइस पे थोड़ा टमाटो सॉस फैला देंगे। और उसे सैंडविच के ऊपर इस तरह रख देंगे। सैंडविच को ग्रिल करते हैं। एक पैन गरम करें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखें। फिर डालेंगे आधा चम्मच घी या बटर, उसे पैन पे फैला देंगे और हमने जो सैंडविच तैयार किए हैं उसे पैन के बीचों बीच इस तरह रख देंगे। एक प्लेट से उसे ढक देंगे और ऊपर इस तरह वज़न के लिए किसी बर्तन में पानी या कोई भी वज़न की चीज़ आप रख दें। 1 से 2 मिनट बाद खोलें, ऊपर वाली ब्रेड स्लाइस पे बटर या घी फैला दें और सैंडविच को पलट देंगे। उसे इस तरह प्लेट से ढक देंगे और ऊपर कोई भी वजन वाली चीज़ रखते हैं और 1 से 2 मिनट ढक के रखेंगे। 1 से 2 मिनट बाद आप देखोगे कि सैंडविच दोनों साइड से क्रिस्पी बन गए हैं। तैयार होने पे सैंडविचेस को इस तरह प्लेट में निकाल लेंगे और वो गर्म है उसी समय और क्रिस्पी है तब उन्हें ऐसे 2 हिस्सों में हम काट लेंगे। और लीजिए, हमारे वीकेंड स्पेशल सैंडविचेस तैयार है। आप इसे पुदीना धनिया की चटनी या टमाटो सॉस के साथ एंजॉय करें और हमें लाइक और कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगे। थैंक यू।